प्रचार मूलक धर्म था या नहीं, यह विवादास्पद है। कुछ लोगों का विचार है कि यह प्रचार मूलक धर्म कभी नहीं रहा। दूसरों का यह मानना है कि यह प्रचार मूलक धर्म था। तथापि यह स्वीकार करना ही होगा कि किसी समय यह प्रचार मूलक अवश्य रहा होगा, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इसका प्रसार पूरे भारत में सर्वत्र ना हो पाता। यह तथ्य भी अवश्य स्वीकार करना होगा कि आज यह प्रचार मूलक नहीं रह पाया है। इसलिए सवाल यह नहीं कि हिंदू धर्म प्रचार मूलक धर्म था या नहीं, असली सवाल यह है कि हिंदू धर्म प्रचार मूलक क्यों नहीं रह पाया। मेरे पास इसका यह जवाब है कि हिंदू धर्म तब से प्रचार मूलक धर्म नहीं रह गया जब से हिंदुओं में जाति प्रथा का उद्गम हुआ। जाति प्रथा धर्म परिवर्तन नहीं होने देती। धर्म परिवर्तन में सिर्फ यही समस्या नहीं होती कि नई धारणाएं और नए सिद्धांत अपना लिए जाएं, बल्कि दूसरी और सबसे बड़ी समस्या इसमें यह पैदा होती है कि धर्म परिवर्तित व्यक्ति को किस जाति में स्वीकार किया जाए। जो भी हिंदू अन्य धर्मियों को अपने धर्म में शामिल करना चाहता है उसे यह समस्या अनिवार्य रूप से झेलनी पड़ती है। किसी क्लब की सदस्यता तो सबके लिए आसान रूप से खुली रहती है, किंतु किसी जाति विशेष की सदस्यता हर ऐरे गैरे के लिए खुली नहीं रहती। जाति का नियम ही यह है उसी जाति में उत्पन्न व्यक्ति को प्राप्त होती है। जातियां स्वशासित होती हैं। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि किसी जाति को किसी बात के लिए विवश करे और वह अपने सामाजिक जीवन में किसी नव आगंतुक को स्वीकार कर ले। हिंदू समाज अनेक जातियों का समूह है, और क्योंकि हर एक जाति एक बंद निगमित संस्था की तरह है, इसलिए धर्म परिवर्तित व्यक्ति के लिए किसी भी जाति में कहीं कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार इस जाति प्रथा ने ही हिंदुओं को हिंदू धर्म फैलाने से रोका और अन्य धार्मिक समुदायों को इसमें लीन होने से रोका। अतः जब तक जाति प्रथा रहेगी, हिंदू धर्म को प्रचारात्मक धर्म नहीं बनाया जा सकता, और शुद्धि न केवल मूर्खता होगी बल्कि निरर्थक भी होगी। हिंदू समुदाय जिन कारणों से शुद्धि करने में असमर्थ है, उन्हीं कारणों से उनका संगठन भी असंभव है। संगठन का मूल आधार यह है कि हिंदुओं के मन से उस कायरता और बुजदिली को हटा दिया जाए जिसके कारण वह मुसलमानों और सिखों से अलग हो जाते हैं, तथा अपनी रक्षा के लिए वीरता के स्थान पर चालाकी और धोखेबाजी की घटिया तरीके अपनाते हैं। एक स्वाभाविक प्रश्न यह है कि सिख या मुसलमानों को वह शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है जिससे वे बहादुर और निडर बन जाते हैं। मेरा विश्वास है कि वह इसलिए नहीं है कि उनके शरीर में अपेक्षाकृत अधिक शक्ति होती है, या उनकी खुराक अधिक अच्छी है, या वे अधिक व्यायाम करते हैं। यह शक्ति उनके मन में उत्पन्न उस भावना के कारण है कि अगर किसी सिख पर खतरा होगा तो सारे सिख उसके बचाव के लिए दौड़ आएंगे, और यदि मुसलमान पर हमला हुआ सारे मुसलमान उसकी मदद को आएंगे। हिंदुओं के पास ऐसी शक्ति नहीं है। उसके मन में यह विश्वास नहीं है कि शेष हिंदू उसके बचाव के लिए आएंगे। अकेले होने और भाग्य से अकेले रहने के इस एहसास के कारण वह शक्तिहीन रहता है। उसके मन में बुजदिली और कायरता घर कर जाती है, और लड़ाई होने पर या तो वह आत्मसमर्पण कर देता है या भाग जाता है। दूसरी ओर सिख या मुसलमान निडर होकर लड़ता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अकेले होने के बावजूद वह अकेला नहीं रहेगा। उसके मन में इस विश्वास का होना उसे लड़ते रहने में सहायक होता है, और दूसरे में इस विश्वास का अभाव पराजय स्वीकार करने की स्थिति पैदा कर देता है। यदि इस विषय का आगे अध्ययन किया जाए और यह पता लगाया जाए कि सिखों और मुसलमानों में इस आत्मविश्वास का कारण क्या है, और हिंदुओं में मदद और बचाव के विषय में इतनी निराशा क्यों भरी हुई है, तो आपको ज्ञात होगा कि इसका कारण उनके अपने रहन सहन के तौर तरीके में अंतर है। एक ओर सिखों और मुसलमानों के आपसी रहन सहन का तरीका उनमें भाईचारे की भावना पैदा करता है, दूसरी ओर हिंदुओं के आपसी रहन सहन के तौर तरीके इस भावना को पैदा होने नहीं देते। सिखों और मुसलमानों में एकता का वह सामाजिक तत्व है जो उन्हें भाई भाई बनाता है। हिंदुओं में एकता का ऐसा कोई तत्व नहीं है, और कोई भी हिंदू दूसरे हिंदू को अपना भाई नहीं मानता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सिख लोग ऐसा क्यों कहते और सोचते हैं कि एक सिख एक खालसा 1.25 लाख आदमियों के बराबर होता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि एक मुसलमान हिंदुओं की भीड़ के बराबर क्यों है। निसंदेह यह अंतर हिंदुओं की जाति प्रथा के कारण है। जब तक जाति प्रथा रहेगी, हिंदुओं में संगठन नाम की कोई बात नहीं रहेगी, और जब तक उनमें संगठन नहीं होगा, हिंदू कमजोर और डरपोक रहेंगे। हिंदू कहते हैं कि उनकी कौम बड़ी सहनशील है। मेरे मत से यह बात सही नहीं है। अनेक अवसरों पर यदि उनका असहनीय रूप देखा जा सकता है, और कुछ अवसरों पर उनमें सहनशीलता देखी जाती है, तो उसका कारण यह है कि या तो वे विरोध करने में अत्यधिक आशक्त हैं, या पूरी तरह उदासीन हैं। हिंदुओं की यह उदासीनता इस कदर उनकी आदत का हिस्सा बन चुकी है कि हिंदू किसी अपमान या अन्याय को बुजदिल बनकर सहता रहेगा। मॉरिस के शब्दों में उनमें यह दिखाई देता है
कि बड़े लोग छोटे लोगों को कुचलते रहें, ताकतवर लोग कमजोर लोगों को मार रहे हैं, क्रूर लोग निडर होकर विचरण कर रहे हैं, दयालु लोग साहस न होने के कारण चुप हैं और श्रीमान लोग लापरवाह हैं। हिंदू देवता भी धैर्यवान और सहिष्णु हैं, इसलिए अन्याय और उत्पीड़न के शिकार हुए हिंदुओं की दयनीय स्थिति की कल्पना असंभव नहीं है। उदासीनता किसी समुदाय को लगने वाली सबसे घातक बीमारी है। हिंदू परस्पर इतने उदासीन क्यों हैं? मेरे विचार में यह उदासीनता जाति प्रथा के कारण है और इसके कारण किसी अच्छे काम के लिए भी उनमें संगठन और सहयोग होना असंभव हो गया है।